आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 7 जनवरी के श्री वरदान की रिकॉर्डिंग। परमात्मा का प्यार अगर हमारे लिए वो ही एक छतरी बन जाए, एक छत्र छाया बन जाए कि उसके अंदर रह करके हम किसी के भी नुकीले, किसी के भी तीखे बाण, शब्दों के, सिचुएशंस के या उनकी सोच के हमारे प्रति हमें असर ना करें, तो ये तभी पॉसिबल है जब हम परमात्मा पिता की छत्र छाया में रहते हैं। आज इसी चीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि तो परमात्मा हमें सिखा रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि इस छत्र छाया में रहा कैसे जाता है। तो देखें, परमात्मा के अपने ही शब्दों में परमात्मा पिता कह रहे हैं, परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले, प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले, दुखों की लहरों से मुक्त भवा। आज कलयुग में दुखों की लहरें चारों तरफ से हैं, लेकिन यहां पर परमात्मा कहते हैं कि अगर तुम मेरी छत्र छाया में रहते हो, प्रेम की छत्र छाया में, तो वो जो दुखों की लहरें तुम्हें अटैक करने की कोशिश करेंगी, तुम अगर नीचे हो तो तुम्हें सेफ मैं कर सकता हूं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, तो वो आज एक कंडीशंस भी हम देखेंगे। परमात्मा कहते हैं, जैसे कमल पुष्प, कमल का फूल कीचड़ पानी में होते भी न्यारा रहता है। अगर आपने देखा हो, कीचड़ में है लेकिन कमल का फूल ऊपर है, सुंदर दिखता है बिल्कुल, लेकिन नीचे कीचड़ है, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, राइट? और कमल को भी उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा है, कि वो जितना कीचड़ से दूर है उतना ही साफ और सुंदर दिखता है। हम भी कलयुग में रहते हुए कलयुगी मनुष्यों की सोच, बोल, कर्मों जो कि अपवित्र है, उनके साथ में रहते हुए, उनके संग में, सोसाइटी में चलते हुए भी हम उनसे अलग होकर के कमल जैसे रह सकते हैं। क्यों रहना है ये? ताकि परमात्मा की प्रोटेक्शन, परमात्मा का प्रेम का छत्र छाया हमारे ऊपर सदा रहे। अगर हम जाते हैं शैतान की तरफ, रावण की तरफ, कीचड़ में, तो परमात्मा का जो छत्र छाया है वो हट जाएगा। फिर दुख, अशांति, पीड़ा, चाहे मन की हो चाहे तन की हो, सब महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो ये महसूस ना हो, उसके लिए हमें परमात्मा की छत्र छाया में रहना जरूरी है। फिर परमात्मा कहते हैं, और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा। ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए। हो गए कि नहीं हो गए, ये हमारे ऊपर है। हम अगर दुनिया और दुनियावी संबंध और साथियों और लोगों से अगर हम सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, ये सारी चीजें अगर हम खोज रहे हैं अभी भी, तो यहां से हमें कम मिलेगा। कहते ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, खोना पड़ता है, लेकिन यार ये कोई खोना है, ये खोना नहीं है। कोई अगर एग्जाम के लिए बैठता है तो उसको अपनी रात की नींद, उसको अपना खान पान, उसको अपने दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, उसको पार्टी करना, वो छोड़ना पड़ता है ताकि वो एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके पाए। तो वहां पे उसको लगता है कुछ उसने खोया है। लेकिन यहाँ परमात्मा का प्यार पाने के लिए अगर हम दुनियावी इच्छाएं, दुनियावी लोगों से इच्छाएं अगर हम कम कर दें, इमेजिन, वो खोना खोना नहीं है, पाने के लिए है कि नहीं? आपको क्या लगता है, कमेंट करिएगा। फिर परमात्मा कहते हैं, ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए। यह परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाता है। तो ये छोड़ा, यहां से मिलना शुरू हुआ, तो वो छत्र छाया बन जाती है, वो गाइडेंस बन जाती है। हल्कापन महसूस होता है, यहाँ भारीपन होता है। हमेशा मेंटेन करना, स्टेटस मेंटेन करना, चीजों के साथ में रहना, लोगों के साथ में अपना दुनिया भी मेंटेन करना, स्टेटस, सोच विचार मेंटेन करना, उनके साथ जैसे ही बात करना, बहुत भारीपन है। फिर परमात्मा कहते हैं, और जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकता। अगर उसको परमात्मा से प्यार मिल रहा है, दूसरे उसको धिक्कारे भी, उसके वो टॉन्ट करें, मजाक उड़ाएं, खिल्ली उड़ाएं, ज्यादातर वो खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, किसका उड़ाएंगे? जैसे दिखते हो, जैसे कपड़े पहनते हो, जैसे रहते हो, लेकिन परमात्मा के जो छत्र छाया में रहते हैं आत्माएं, वो सदा स्वच्छ, पवित्र, सोच वाली और सुखी होती हैं, क्योंकि उनको परमात्मा का प्यार मिल रहा होता है उनको। फिर परमात्मा कहते हैं, उसका कोई क्या कर सकता, इसलिए फकुर में रहो, बोल्डनेस, खुशी में, नशे में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। कोई कुछ भी कह दे, निंदा स्तुति, लाभ हानि, जय पराजय में हम परमात्मा की छत्र छाया में अगर हैं, तो हम एक समान स्थिति में, मनोस्थिति में रह सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, ये तो आपको आकर के समझना पड़ेगा 7 घंटे में। जी हाँ, 1 घंटा हर दिन अगर आप देते हैं, कहते हैं हम 7 दिन का कोर्स, तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि 7 दिन मतलब 24 घंटे नहीं,
सात घंटे कितने होते हैं आपके लिए? सात घंटे में अगर आप अपने आप को पहचान लें, परमात्मा के साथ में जुड़ जाएं और साथ ही साथ मेडिटेशन सीख लें, कितना अच्छा रहेगा, राइट? तो ये सारी चीजें हो सकती हैं जब आप ब्रह्मा कुमारीज गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में जाकर के, जो कि आपके घर के पास ही कहीं होगा, जाकर के ये सब कुछ सीखें। इसके साथ ओम शांति।